सर फोटो तो इसी नेम प्लेट का है। फोटोजी ने काउंसिल को तो हमारी कंप्लेंट भेजी है, फिर ये कॉपी हमें क्यों भेजी है? झापड़ मार रहा था तो फिर अग्रवाल के लड्डू को भेजे भाई, साथ में पप्पी भी दे रहा है। झापड़ खाट पप्पी भी और विजय मारसा ना बीड़िया से मोरा। अरे इस कंप्लेन में कुछ भी लिखा है सर, ये नेम प्लेट इलीगल कैसे है? अरे है, बार काउंसिल के रूल्स के अगेंस्ट है। यहाँ लिखा है एन एडवोकेट साइनबोर्ड और नेम प्लेट डिस्प्लेड पब्लिकली और अदरवाइज शुड बी ऑफ अ रीजनेबल साइज। और मायन की पुआ बताएगी क्या होता है रीजनेबल साइज है मुंशी जी? नेम प्लेट इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। और लिखा भी है यहाँ पे Additionally, the signboard or nameplate should not indicate that he or she is or has been president, chairman, office bearer of bar council or any association. तो मतलब बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन जाओ और लिखो मत। और मारे पैसे में जब तक लिखा तो मैंने हो तो माना ही नहीं जाता। ये माया कैसा लॉ है भाई? लॉ नहीं, रूल। और विशेश्वर रूल तो टूटा है, तुम्हारी जो नेम प्लेट है उसका साइज बड़ा है और उस पर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन भी लिखा। हेलो जी, जी हाँ कंप्लेन की कॉपी मिली, थैंक यू। काजमी का फोन था, काउंसिल ने कमेटी बिठाई है, नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है। किला गया गणा 30 मार्क हम बन रहे थे, अब देखिए असली स्वाद तो ही भाव का आ रहा है। बड़ा खुश होकर आ रहा है। हाँ आ गए। त्यागी जी आप ये मानते हैं ना कि इस तरह की नेम प्लेट लगाना बार काउंसिल के उसूलों और गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि काउंसिल इस वायलेशन के लिए आपके खिलाफ कदम उठाने का पूरा इख्तियार रखती है? जी, चैप्टर 4 सेक्शन 5.3। इस बेबाकी के लिए शुक्रिया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। पैनल के मेंबरान जो सही समझे आपके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। ऑब्जेक्शन सर, काजमी साहब ये एक्शन मेरे खिलाफ की, जिसकी नेम प्लेट है उसके खिलाफ होनी चाहिए। अरे इसी इसी की तो है। हाँ साफ साफ कहिए त्यागी साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए दरअसल काजमी साहब आपको गलत फहमी है, आपको वीडी त्यागी जो नाम लग रहा है दरअसल वो नाम नहीं है, वो एक लोगो है। जैसे कई कंपनीज के अपने लोगो होते हैं चिन्ह, जिसे आप आसानी से पढ़ नहीं पाते, लेकिन कई कंपनियों के जो लोगो होते हैं जिनको आप बड़ी आसानी से पढ़ पाते हैं। तो वीडी त्यागी एंड एसोसिएट एक लोगो है, नेम प्लेट नहीं। अब ये कहना काजमी साहब कि नेम प्लेट बड़ा है, बड़े अक्षरों में लिखा है, तो ये कंप्लेंट तो मुझ पर नहीं। एक मिनट, अगर ये नाम नहीं सिर्फ लोगो है तो नीचे प्रेसिडेंट पटपड़गंज बार एसोसिएशन क्यों लिखा हुआ है भाई, बताओ? नहीं, प्रेसिडेंट आप हैं क्यों, आपकी फर्म बोलिए। बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट तो मैं, तो इस फर्म की हिम्मत कैसे हुई ये प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन लिखने की, मैं ये जानना चाहूं। ये सवाल फर्म से करना चाहिए कि मुझसे? देखिए लॉ बहुत क्लियर है काजमी साहब कि इंडिविजुअल्स एंड फर्म आर टू सेपरेट एंटिटीज, जैसे मैं अलग हूं मेरी फर्म अलग है, करेक्ट? और सर मैं पैनल को सूचित करना चाहता हूँ, जैसी बात मेरे नॉलेज में आई मैंने पड़पड़गंज बार एसोसिएशन के बायलॉज के तहत इस फर्म को शो कॉज नोटिस भेजा है। एक मिनट मिंटू, बावड़ा हो गया यो, कुछ भी कर रहा है सर? ये देखिए राजदीप सहगल, परिमल झा, नेम प्लेट देखिए सर इन लोगों का, एडवोकेट गौरव शर्मा, साइज देखिएगा सर इन लोगों की, सीमा त्रिवेदी, सौरभ खन्ना, ये सब आपके सामने सर। सर इस हमाम में मैं अकेला नहीं। अरे ये बावड़ा बना रहे हैं सबको भाइयों। आई होप कि काउंसिल वीडी त्यागी द इंडिविजुअल का नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेगी। काउंसिल आज जो भी प्रेसिडेंट यहां सेट करेगी उसी के आधार पर सब पर एक्शन लेना होगा।
त्यागी साहब, आप इलेक्शन की तैयारी शुरू कीजिए। अरे ऐसे कैसे की लिए भाई तैयारी, कोई लूट मचा रखी है क्या? अब काजमी साहब, वसीम साहब का एक शेर याद आया, कहिए तो। इरशाद, ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा। वाह। ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। वसीम, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा।